उत्तराखंड में एक कस्बा था। वहाँ बिरजू अपनी अम्मी और अपनी बीवी के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था, पूरे खानदान का ख्याल रखता था। बिरजू अपना घर चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था। हर रोज बिरजू की बीवी लता बिरजू को समोसे बनाकर दिया करती थी। एक दिन बिरजू समोसे को लेकर ट्रेन में पहुंचा। समोसे समोसे, गर्म गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे, समोसे। भाई साहब, समोसा लेंगे क्या? गर्म है। नहीं, मैं समोसा नहीं खाता, डाइट पर हूँ। डाइट पर है? ये क्या होता है, किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब तो हम गरीबों का हर रोज डाइट चल रहा है। खरीदारों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब, आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं। नहीं भाई साहब, मेरे पास तो मेरा सैंडविच ही बचा है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है, सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। लो, ये खा के देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो बड़ा लजीज है, अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी अम्मी और बीवी को बताता है। हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए, इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम ये बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है, बिरजू बेटे एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना समोसे की जगह, शायद हमारा धंधा चल जाए। मैं कल से ही आपको सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू बिल्कुल वैसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट जाता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और उसकी अम्मी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है, कल फिर से चले जाना, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे, कहना क्या चाहती हो तुम? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच, इस एक सैंडविच से पूरे खानदान का पेट भर सके, ऐसा सैंडविच होगा। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्चा करना होगा, और अगर धंधा ना चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए पछताए, सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और अम्मी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली तुमने, मजा आ गया। शुक्रिया अम्मी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। वक्त बीत रहा था, बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बेहद मशहूर हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था, लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया, मानो पूरा खानदान टूट सा गया। अम्मी और लता दोनों बेहद परेशान हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हो। आपको 6 महीने तक आराम करना है। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया
तो खतरा बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और अम्मी उससे कहते हैं, ये हमारे खानदान पर कैसी परेशानी आ गई है बिरजू बेटे, अब तुम ट्रेन में धंधा करने नहीं जा सकते। और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं, कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खत्म हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नाजुक हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो बैठे रहो, क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा कि तुमसे जाकर मुलाकात करूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करम आता है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। हे सुब सुब बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच को बहुत याद कर रहा था। मेरी तीनों बेटियां पहाड़ी सैंडविच बड़े मजे से खाती थीं, और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहां पर लता और अम्मी दवाइयां लेकर आ जाते हैं। लता और अम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की परेशानी है। आओ लता आओ। लता और अम्मी, ये है लता और ये है मेरी अम्मी। मैं इनसे मुलाकात करवाना तो भूल ही गया, ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा खानदान चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। उस दुकान में अपनी पहाड़ी सैंडविच की दुकान खोल सकते हो। रोड़ी मल के नकली सैंडविच खा खा कर लोग उब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, शुक्रिया आपका जो आपने मदद हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, लता और अम्मी दुकान चला लेंगी। जैसे ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, वैसे ही दुकान पर जाकर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे खरीदार रोज आने लगेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ, ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू दुकान भाड़े पर ले लेता है। लता और अम्मी दोनों मिलकर पहाड़ी सैंडविच का धंधा वहाँ चालू कर देते हैं। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे धंधे से उन्होंने दुकान का भाड़ा भर दिया और अम्मी ने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपने दुकान पर ठाट और फक्र से पहाड़ी सैंडविच बेचता है। पूरा खानदान खुशी खुशी रहने लगता है।